कथा में है जो उत्पाद वे उत्पाद वे की चर्चा कर विराधक भाव और आराधक भाव इसकी चर्चा तीन अनियोगों में भरी पड़े समय सार में न विराधक जीव न आराधक आत्मा पांच भाव होते ना कौन कौन से औपसमिक और पांच पांच भाव में चार भाव वस्तु चार भाव वस्तु सात तत्व है ही नहीं आते बंध मोक्ष की चीज नहीं इसका नाम समय सार मतलब जीव जहाँ दिमाग लगा रहा है वो तुम्हारा बसा ही नहीं है उसमें परिणाम सुधारने में बिगाड़ने में विषय की रस में बिगाड़ने में और धर्म के नाम पे सुधारने और वो दो ही चीज तुम्हारी बसे नवी उपज नवी मरई बंद न मोख करे न उपजता है न विनसता है न बंद है न मोक्ष है तो परिणाम तो होते ना वस्तु कहाँ है उसके कपड़े तुमने ये वस्तु कहाँ है परिणाम ही है जिसमें छह द्रव्य मरने वाला जीने वाला द्रव्य करने भोगने वाला द्रव्य कोई अच्छा बुरा द्रव्य कुछ लेने देने वाला द्रव्य छी वस्तु जी कह रहे हम तुम्हें समय दिखाएंगे बस समय साल बताएंगे और दूसरे में कहने लगे कि जगत में भाई कोई सौ समय मिलेगा कोई पर समय पर सुंदर तो समय जब देखो तब आत्मा आत्मा बन रहे ये इसकी सुंदरता है उसको समझाने के लिए समय सार है प्रतिज्ञा की हम तो तुम्हें एकत्र विभक्त बताएंगे और उसमें ना प्रमत्त बना होता है ना अप्रमत्त बना होता है तो क्या है ज्ञाय के छह द्रव्य में ज्ञाय द्रव्य और वो कह रहे कि जीव को जीव खड़ा ही रहता है पर्याय में इनका छेदसम जी पढ़ाई कर और जी सब शास्त्रों में देखे ऐसी बात नहीं है कि परिणाम नहीं हो तो उनसे बंद नहीं हो कि वो कोई फालतू की बातें हैं तो वो आत्मा तो नहीं इतनी सी आत्मा तो नहीं जितनी जगत में आत्मा उसे कहते हैं जो आत्मा ही रहता कुछ नहीं है ना जिसमें कुछ बदल जाए हो जाए वो कोई वस्तु कहलाता है आत्मा शुद्ध परम पारिणामिक भाव स्वरूप वस्तु न बंध की करता है और न मोक्ष मार्ग की करता है न मोक्ष की करता है ये बातें जगत में सुननी नहीं मिलती धर्म के नाम पर भी जीव वस्तु के स्वभाव को न देख के धर्म ही को देखता रहता है धर्म ही को नहीं इसलिए उसे धर्म नहीं पकड़ती क्योंकि धर्म को किया नहीं जाता धर्म वस्तु का जीवन होता अस्तित्व और जीव उसे छोड़ के फिर धर्म करता पहले समय सार की जान उत्पाद व्यय बिना की वस्तु राग द्वेष बिना की नहीं कह रहे उत्पाद व्यय बिना की समय सार आप पढ़ो ना प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं वो क्या कहता ये ज्ञाय भाव क्या कहता ये नहीं कह रहे वस्तु में उत्पाद व्यय द्रव नहीं होती हम जो जानना चाहिए हमें उसकी चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा उसे कहती है जिसमें कुछ भी नहीं होता जिसमें कुछ किया नहीं जाता एज इट इज अनवय शुद्ध ध्रुव वस्तु में संसार भाव नहीं है मोक्ष मार्ग नहीं है मोक्ष की भी करता आत्मा नहीं बताओ अपन सब आए शांति की लाने मोक्ष की लाने अभी कह रहे उसमें है
अभी मनोविज्ञान, आप जितने भी प्रश्न उठाओगे सब पर्याय से, जितने भी प्रश्न बनेंगे सब कहाँ से बनेंगे, जब जितने भी समाधान देंगे वे कहाँ से देंगे, धर्म से। तो तुम्हारी कथा कौन सुन, तुम ये कहोगे डॉक्टर साहब यहाँ बहुत बड़े, यहाँ बहुत बड़े, तुम्हारी सुन के एक मिनट भी ध्यान नहीं दिए हमें सब तक, उन्हें मालूम है ये तुम्हारा दर्द है ना, ये दर्द नहीं है तुम्हें, और कुछ दर्द है कारण, ये तो तुम्हें दिखता है और कारण कहाँ दिखता, सिर का दर्द दिखता, तो सिर का दर्द होता ही नहीं। वो डॉक्टर समझेंगे ऐसे भगवान ही समझते है, तुम कहते हो कि हम परेशान हैं, हमें ऐसे हमें ऐसे, ये ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है कि जिसमें कोई सुधार करे, तो तुम्हारी कहाँ तक सुनेंगे, ये कहते संत है, ये बैरागी संत है ना, है ना, और ये तो बात बताएंगे ना, तो आप निर्णय करो ना ज्ञान में, कोई कोई रोक रहा होगा कि ना करो, भाई जी बताए जी जहर है और जी अमृत है, दूध है जी फिनाइल, अब निर्णय करो भाई हम जहर पीने के देते, तुम कोई छोटी सी बच्चा होगा कि जहर की चीज अपने आप तुम्हें जहर है ना तो तुम छोड़ दोगे, और ये अमृत है ना दूध है ना तो इसे पी लोगे, अब कहने नहीं आएगा साहब, कौन सी लासोल लगाएगा, इसलिए बताएंगे ना कि जे पराधीनता में दुख है स्वाधीनता में सुख है, इतने बताएंगे ना, अब स्वाधीनता करो तुम्हारी तुम्हारी तुम जाओ, मतलब जिनवाणी थे गई मिथ्या तुम नाश देखो, अब और क्या कहें ज्ञान के प्रकाश में, अब हम क्या करें ज्ञान के प्रकाश से, तुम्हें ज्ञान हो रहा तुम अपने समझो कि ये जो ज्ञान अच्छा ये ज्ञान कहला, सुखी होना हो ये मोक्षार्थी जीव राजा को जान, इतने कहेंगे अब तुम्हें जानना हो सुशासन नहीं जानना, तुम्हें मतलब बहुत जिम्मेदारी है आपको अपने जीवन में, निर्णय आप लो अपने हित के लिए लो, भगवान जैसे परमेश्वर मिल गए हैं तो उसकी कीमत करो, और दुख ना सहे जाए तो लगो, नहीं तो तुम्हारी तुम जान मानी तो शाबाश, नहीं तो तुम्हारी होना तुम्हारी, वो क्या कर सकते हो, अभी बात समझ आई कि नहीं सुनती, संसार भाव भी जीव नहीं, मोक्ष मार्ग भी जीव नहीं, और मोक्ष भी जीव नहीं, अब प्रश्न होता एक प्रश्न नहीं उठती, ये करो निर्णय कि तुम ऐसी प्रश्न सुन लेते हो, इसमें तो बुद्धि लगाते नहीं, इसमें लगाओ ना बुद्धि, वे कह रहे साफ साफ संसार नाम का कोई जीव होता ही नहीं, मोक्ष मार्ग नाम का कोई जीव नहीं होता, और मोक्ष भी जीव नहीं होता, अब भी कहते रहे आत्मा नहीं होता, सन्यास नाम का कोई आत्मा नहीं होता, आप सुन लो अब तो समझ में आई, पहले तो कह रहे थे मनुष्य नाम का कोई द्रव नहीं होता, त्रियंच देव नार की द्रव, आज तो ये कह रहे कि सब असव नाम का कोई आत्मा नहीं होता, सुन ली और सुना संबल निर्जय नाम का कोई आत्मा नहीं होता, तो फिर आत्मा क्या होता आपको दर्द होना चाहिए नहीं, सब आत्मा है तो फिर हमें दुख तो होता और हम सुखी कैसे हो, ये प्रश्न तो हो, वो तो साफ साफ मना कर रहे कि हम आत्मा उसे कहते हैं जो दुखी होता है उसे आत्मा नहीं कहते, और जो सुखी होता है उसे आत्मा नहीं कहते, जो सुख स्वरूपी है उसे आत्मा कहते, मतलब यदि देखो आपको खुद भूख और प्यास नहीं लगेगी तो भोजन में मजा नहीं आएगा, ये तो इनकी महाकरुणा समझे, बहुत बहुत करुणा, अपन आचार्यों के उपकार को कभी सोच नहीं सकते कि इनको कौन सी दया आती, कितना बताते कितना लिखते कितना समझाते, एक गाथा कह देंगे दूसरी कह देंगे तीसरी कह देंगे, ऐसा लगेगा कि अब तो पूरा कर दिया अब तो बहुत हो गया, अब कुछ ऐसा लगता तुम जहाँ की तरह बैठे तुम नहीं पिघल रहे, हमें मान इतना ढीठ लड़का है और उनको करुणा भरी और उसे सुधार, समझ आई क्या कह रहे, शुभ अशुभ भाव आश्रम बंद तत्व समय दर्शन ज्ञान चारित्र संवर निर्जर तत्व और मोक्ष तत्व, ऐसे सब है ना साथ होते, अब ये सुना रहे आपको कि तुम ना आश्रम हो न तुम बंद हो न तुम संवर हो न निर्जरा हो न मोक्ष, न तुम मिथ्यात हो न ज्ञान हो न संयम हो, न तुम्हें कसाय है न तुम्हें कसाय का अभाव
सहानुभूति तो सब दिखती है, कसाय होती तो सब दिखती है। तो जिसे दिखती है वो भी तो है, कसाय वह दिखती है, कसाय को जानने वाले नहीं दिखते। ये तो कुछ है कि नहीं, अपनी भूल वही तो निकाल रहे। कसाय हमें बहुत आती, आप तो कह रहे हैं हाँ हमें पता है कसाय है, पर तुम कसाय नहीं हो क्योंकि तुम कसाय को जानने वाले हो। तो अब इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। नंदर के दर्शन करे आए कि नहीं सुनी सर, नंदर के तो करे और अपने दर्शन जे भी करे जात का तो मंदिर के तो बच्चा कर ली, और अपने करने के लिए तो ये तैयार नहीं। मंदिर के जाओ दर्शन करके आओ, नहीं तो भोजन नहीं दे। जैसे वे कहते जाओ आत्मा देख के आओ, नहीं तो तुम्हें संसार में घूमना पड़ता। पंडित जी का एक स्लोगन लिखा था कि जो रात्रि भोजन करता है उसी जैनत्व का कलंक है, और जो मिथ्यात रूपी रात्रि में जीता है उसे जैनत्व का कलंक अंदर नहीं। समझ में आया, एक तो रात दिखती, एक रात नहीं दिखती, ये अंधकार नहीं दिखता, ये नहीं दिखता। जो ध्रुव तत्व है, जो आत्मा है, जिसमें जन्म नहीं, जिसमें मरण नहीं, जिसमें बंध नहीं, जिसमें मोक्ष नहीं, कोई पर्याय नहीं। शुद्ध आत्मानुभूति का अभाव होने से, यानी जीव को अपनी आत्मा अपनी नहीं लगने से, है ना, जीव वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय में सुबह सो उपयोग दिखता है, तो जो दिखता है वही अपना लगता है, और फिर उसी को व्यवस्था बनाता फिरता है, सुकर्ता बनता। बाबू जी समझ में आ रहा है, जो दिखा, जो देखा जिसने उसे तो भूल गया, जो दिखा उसको अपना तो देगा, हमारे पढ़ना तुम क्या समझो। हाँ समझ गए कि तुम्हें आत्मा की खबर नहीं, जब तो वो कहता है हमारे भाव तो तुम समझते नहीं। मैं समझ तो गए कि तुम्हें कसाय की मंदता का एकत्व चल रहा है। और सुनाओ, कह रहे हैं कि शुद्धात्मानुभूति नहीं है तो अब क्या है। सुनो, आत्मा को आत्मा माना नहीं, अब क्या क्या मानता है सुनो। वो कह रहे जो हो रहे है ना वर्तमान में परिणाम, इनमें तुम्हें गहरी प्रीति चलती तो अपनत्व है, एकत्व ममत्व है, और तुम नहीं के सुधारने में लगे रहते। चलो अब मंदिर, चलो अब पुस्तक पढ़ेंगे, चलो स्वाध्याय करेंगे, तो तुम अशुभ को चालने में और शुभ को लाने में कोशिश में लगे रहते हो। आत्मा की तरफ ढूंढने का एक समय तुम्हें टाइम नहीं लगता, परिणाम याद ही नहीं आती। यार अच्छा सच्ची बताओ, इतने लोग बैठे, आत्मा क्या कहलाती है? जैसे कौतूहल में नहीं जगता कि देख तो लो, मंदिर जाने का आता है, स्वाध्याय करने का आता है, प्रवचन नहीं सुने तो बेकार लगता, आत्मा नहीं जाने तो कब बेकार लगता। एक दिन प्रवचन में नहीं जा पाए तो उस दिन ऐसा धक्का सा लगता, आज का कैसा दिन निकल गया, और आज तक आत्मा नहीं जाने तो कहाँ लगता है ऐसा समय, कहाँ ऐसा यही यही तुम्हारी एकत्व बुद्धि आत्मा नहीं देखने दे, क्योंकि तुम्हें लगती है ना, इसका अर्थ आत्मा नहीं चाहिए, लगती चाहिए, लगती पे भजन है ना, नहीं लगती तो काय बात, इसीलिए पकड़ लेते हैं वो इस व्यक्ति को एकत्व है स्वभाव। अरे जब कहने चाहिए कि कैसी लगनी है जो आत्मा नहीं देख पाए, अभी तक ऐसा नहीं कहता, क्योंकि उसे देखो आत्मा के बिना अच्छे से खाना पीना चल रहा, उसे दर्द कहाँ, वो तो अपनी इज्जत बताता है, हमें नहीं लगे तो कहाँ से देखें। कहते तो रोया तक तो है नहीं, तो इसके लिए कर कि आंख में आंसू आए हो, रात की नींद खराब हो गई हो, और एकदम ऐसी याद आए कि कुछ न सुहाए, अब भी मर के नरक ने को जाना पड़ता मिथ्या के अभाव, ऐसा डर ही लगता है इसको, इतनी सी उपलब्धि बताता। रोज तो जाते हैं मंदिर, रोज तो सुनते, अरे भैया हम तुमसे नहीं जी सकते, इसमें इतनी जरूरत चाहिए कि दुनिया एक तरफ है, ऐसा लगा मर करके भी लिखा। अपन क्या कर रहे थे, अपन तो आज जाते हैं, वे कह रहे मर भी जाओ ना तो बहुत छोटी सो जाए, इतनी बड़ी शब्द डाली, मर पच करके भी तत्व का गहरा कौतूहली मन, जैसे कुत्ते के कान में कीड़ा पड़ गया तो उसे सही चैन नहीं पड़ती, ऐसी बताओ कमल कुमार जी, यहाँ से चैन से जाते कि बेचैन होगी जाते। ये तो देखो हमें
आप बताओ, हम आपको बताए नहीं, अपनी अपनी से पूछो भीतर जाके कितनी कोशिश वहां अंधो करके असली रात हम सो कैसे जाते हैं, आप बताओ ना। वक्त रुचि है तो कहाँ है ऐसी रुचि, हमें कुछ नहीं कह दिया कैंसर है फिर बताओ हम बैठ जाए शांति लगन नहीं लगी है। कैंसर है बताओ ना, माता जी वो कह रहे जान लग जाए तो कम है भैया, आपकी जान चली जाएगी कई बार, जैसे जैसे मेहमानी का थोड़ी मंदिर अपना, ये तो पात्रता भद्रता में बता रहे, ये तो दूसरी चर्चा चल रही। आपको शुद्धात्मानुभूति का अभाव होने से, यानी यदि हो गया होता तो हम नहीं कहते आपसे, शुद्धात्मानुभूति का अभाव होने से यह जीव वर्तमान पर्याय में जो हो रहा है क्या हो रहा सब अशुभ, इतना ही करोगे ना तुम और क्या करोगे, और तो तुम्हें दिखता ही नहीं, ये मंदिर आए शुभ और घर में बैठे अशुभ, और घर ही में कभी मंदिर की याद सो फिर होते फिर मंदिर ही में घर की याद शुभ अशुभ शुभ अशुभ ऐसे ऐसे झूलता है। इनको तो पता है भैया कि तुम कितने समर्पित हो, मानो सुबह सब उपयोग को करता हुआ वे हो रहे हैं, ये करता हमें लगी ऐसी भाषा निकली है, हमें लगी, अरे हमें लगी हो तो नहीं, आत्मा में तो ज्ञातापना होता, लगी लगी क्या होता उसे ये बताएगा कैसे कि हमें लगी, उसे ये कहेगा अरे भैया लगना लगना बहुत बाहर की चीज है, क्या ज्ञायक है, कैसा ज्ञान है, कैसी सुख स्वभाव है, कैसी अलग अलग उसकी पात्रता लगी, वो अपनी होशियारी नहीं बताता भगवान के सामने, रिकॉर्ड थोड़ी रखते, हाँ रिकॉर्ड थोड़ी, हम इतने दिन से आ रहे हैं, अरे मर गए तुम्हारे इतने दिन से, तुम्हें याद कैसे रहता है इतने दिन, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए हम कितने दिन से मिस कर रहे भगवान की वाणी, इतने दिन हो गए हम एक ही क्लास में पढ़े तो रहो आप, शर्म लगेगी, कितने दिन से ये सुन रहा, बहुत अच्छा करता बंद गजब कर रो गए, आप समझ नहीं सही बात लगते ही नहीं ना, मुझे करता आप जो बता जैन हो तो जैन मंदिर जाने का भाव आता है कि लाती हूँ, आता है तो आता है, ये कहता मैं करती हूँ, गजब हो गया ये तो बिल्कुल पागल है, इसलिए तो रिकॉर्ड बने भाई, तुम्हें हनुमान जी के मंदिर का भाव क्यों नहीं आता, क्योंकि अजैन नहीं, पर वहाँ पैदा हो जाओ फिर शंकर जी बम बम भोले ना करो तो कहना, ये तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया, ये तो जन्मजात भाव मिला है कि जैन कुल में आए व्यक्ति को जिन मंदिर जाने का स्वाध्याय करने का ये तो राग आता है, वे कह रहे और तुम करता बनते हो, बहुत ज्यादा चतुर हो ना, मैं करता मेरी लगन मेरे उसे, अरे भैया ये होते परिणाम का करता जीव नहीं है, जीव का करता है, सुबह वर्तमान में क्या हो रहा, सुबह मंदिर इतना ही तो चल रहा, थोड़ी देर मंदिर थोड़ी देर घर फिर अपने ऐसे फिर ऐसे ही करवटे लेता ना पढ़ना, तो सब अशुभ उपयोग को करता हुआ जन्म मरण शुभ अशुभ कर्म बंद कोई करता रहता है, ज्ञाता तो ख्याल में नहीं है, आज तो मर गए आज तो बहुत तकलीफ आज बहुत, ज्ञाता तो याद ही नहीं आता, एक लाइन नहीं तो डायरी में नाम लिखा, जबकि वस्तु तो ध्रुव मात्र इनकी कर्ण, परंतु वस्तु तो पर्याय है ध्रुव, बिना पर्याय की वस्तु नहीं होती, परंतु वस्तु तो पर्याय रहत, अंतर बता दो, बिना पर्याय की वस्तु हो तो फिर ये दुख सुख सुख दुख का अभाव मोक्ष और मार्ग ये सब बेकार हो जाएंगे, तो वस्तु तो उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत, ठीक अब ये पढ़ाई कि वस्तु में न उत्पाद है न वे न संसार है न मोक्ष मार्ग है न मोक्ष है, अब ये सब पढ़ो, बहू जी ऐसा उदाहरण देते थे कि साइकिल चलाओ, ठीक है अब साइकिल चलाओगे तो पैडल से, अब पैडल मत दे, अब तुमने पैडल दे दिया और एक्सीडेंट हुआ, अब पैडल है कि साइकिल में है, अब तुम पैडल देखोगे तो तुम चलाओगे तो पैडल ही देखोगे, चलाओगे ना पैडल देखने अब तुमसे नहीं बन सकती, तुम सामने देखो
और वो पैडल अपने आप चलेंगे। ऐसे तुम यहाँ देखो, अब अपने आप संसार का अभाव, मोक्ष मार्ग की उपलब्धि और मोक्ष हो बताओ तुम्हें क्या करना। अशुभ को शुभ को टालना नहीं पड़ता सरला जी, कई आते हैं जैसे रात का अंधकार कोई नहीं मिटाया, नहीं आज तक सूरज ने उदय करके काम किया है, वो अपने आप चल। अब बात है निर्णय लेने में पसीना आ जाए, अनादि का कुटे हुए ना, इसलिए कुछ सरल बात नहीं परंतु बहुत सरल, बहुत कठिन बात होने पर भी बहुत सरल है, क्योंकि भगवान मिल गए ना अपन को और वो कह रहे हैं हम केवल ज्ञान में खड़े होके बता रहे कि तुम्हें उत्पाद भी नहीं होता, हम बोल रहे बोलो अब तो विश्वास करो। ये प्रश्न नहीं, एक आध व्यक्ति को तो रखो सिर पे, इतने बड़े भगवान झूठ नहीं बोलते। वो कह रहे हैं हमारे ज्ञान में देख रहा जो निखिल विश्व को विचित्र गिराकार से भी देख विचित्र बिना चित्र का देख रहा, अब तो मानो आप तो आत्मा है, मुझे स्वर्ग में जाए तो आत्मा है, चाहे मोक्ष में जाए तो आत्मा है, इसका कुछ होता ही नहीं, ऐसा भी आत्मा होता है कि आया से उसी को आत्मा कहते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता उसका नाम आत्मा। और जीव की दौड़ कितनी है, घबरा गया घर से अशुभ से भागस मंदिर, तो मंदिर में इसे शुद्ध नहीं दिखता शुभ दिखता, क्योंकि ये जीव प्रसन्न रहता इतनी देर तो मंदिर में रहते, इतनी देर हम स्वाध्याय करते, इतनी देर हम सुनते, बड़े पंडित जी स्वामी जी जे वे आत्मा है ही नहीं, जब पकड़ लिए कोई ना कोई अवलंबन धर्म के नाम पे पकड़ लिए, फिर कर्म के नाम पे पकड़ लिए, अभी का कह रहा है ध्रुव है इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना बड़े पंडित जी ना स्वामी जी। परंतु वस्तु तो पर्याय रहे तो ध्रुव है, लगान से क्षयपन से कसाई की मंदता से विशुद्धता से अरे संबल निर्जल सम्यक दर्शन ज्ञान चार से खाली देखो तब तुम्हें आत्मा दिखेगी। तुम तो कहाँ खड़े, तुम तो कहाँ खड़े अभी, बहुत बच्चे जैसे हो। ये पर्याय कितनी देर की होती है, एक समय तुम उसका पक्ष ले रहे, तुम्हें त्रिकाली ध्रुव नहीं देख। ये जो आपने बोला ना लगन लगनी तो लगती नहीं, लगती तो है, लगती का मतलब एक समय पर्याय पे पक्ष है ना, भाषा याद कैसे आई, हम 50 साल से आए, इसका अर्थ तुम शरीर बन के बैठी हो अभी, तुम्हें नहीं समझ में आएगा मर जाओगे तो नहीं, क्योंकि तुमने 50 साल शरीर के गिनाए परिणामों के गिनाए, तुम आत्मा देखने नहीं चाहे, ये अनादि अनंत अच्छा नहीं लगता, 50 साल का अच्छा है कहाँ समझ में आएगा, ये इतने दिन से नहीं लगी कहाँ खड़े हो तो? स्वामी जी जब भाई दिगम्बर मत में आए थे तो उन्होंने साफ कहा था तुम दिगम्बरों की हम ये बात नहीं मानेंगे, होते ही आप सब झूठ बोलते, ऐसे थे कुछ आत्मानुभवी, और हम जो कहेंगे 100% सत्य का ईमान हो गए तो हम पढ़ते कुछ जानते नहीं हो और अपने आप को चतुर मान नहीं, अज्ञानी को नए कुछ नहीं होते भैया, कुछ नहीं होता, हम बहुत दुखी ये झूठ बोलता है, हम आत्मा ये सब झूठ बोलते, वो ऐसा भी कहे ना हम भगवान आत्मा जब झूठ बोलते इसने कहीं पढ़ रखा, परंतु वस्तु तो पर्याय ध्रुव है, उसे भाई सही बोल रहे कि परंतु वस्तु तो कैसी है पर्याय, बताओ पर्याय बिना के कोई ध्रुव होता है क्या, नहीं होता, परंतु आत्मा बिना पर्याय के देखना पड़ेगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप पर्याय में खड़े होते हो और पर्याय को सुनते हो और पर्याय में मुग्ध होकर लौट जाते हो, और ये कहते पर्याय को भूलना पड़े, वो तो काम में आता है, और ये जो कह रहे हैं ना ये त्रिलोकी ना सर्वज्ञ स्वामी जी को इतनी महिमा आती थी सर्वज्ञ जिनेश्वर पे, अरे प्रभु आप ना होते तो आत्मा कौन कहता, बहुत उत्कृष्ट वाणी है ये जो भगवान ने केवल ज्ञान में देखा, भगवान बोले नहीं है खिली है वाणी, खिली है भगवान की वाणी, भगवान बोलते बोलते नहीं, और ये परम सत्य का उद्घाटन करते, पर्याय रहित वस्तु ध्रुव होती है, कभी सुनी नहीं ये बात जी, ये धर्मात्मा ये सम्यक दृष्टि ये मिथ्या दृष्टि है, हम जन्म रहे हम मर रहे जिसे जान रहे उसे देख रहे, अभी मंदिर गए थे अभी आए थे, जन्म पर्याय में खड़ा रहता है, वे कह रहे हैं ये पर्याय तुम्हारी नहीं है भैया, ये तो स्वांग है,
एक समय का सत्य तुमने त्रैकालिक सत्य बना लिया, व्यवहार मात्र था, अव्यवहार अभूतार्थ था। व्यवहारो भूयत्व, व्यवहार अभूतार्थ होता है कि परमार्थ होता है। आप अपने को नरेन्द्र देखो, फिर आत्मा कैसे देखो? नहीं देख सकते। आत्मा देखोगे तो फिर नरेन्द्र स्वांग देखे, अनादि से देखो, इनको सब पता है। अनादि से जीव को पर्याय का पक्ष क्यों है पक्ष? क्योंकि व्यक्त रहती है पर्याय, सामने कौन रहता है? पर्याय। तो ये जीव को क्या दिखता है? पर्याय, हमारे परिणाम, हमारे भाव, हमारे हमारे क्षेत्र संबंधता तीव्रता, बस यही तो दिखता है। उसके पीछे कोई भगवान विराजमान है, जानन हारा वो मैं हूँ, ये तो याद भी नहीं आती, ये याद दिलाती जब याद आती। सच्ची बताना आप, जैसे आपने कहा कि अपनी एक ही में, तो अपन ने कहां से बैठ के बोला? शरीर से। और फिर आत्मा कहां चली गई? है कि नहीं वहां है? उस तरफ ये ध्यान दिलाएंगे, अपन कहां देख रहे हैं? अपन तो सुन रहे इसको और बोल रहे उसको, घंटों सुनते रहते हैं और अपने मन का गोठा गोठते रहते हैं, और दर्शन मोह में नहीं गलत। जब तुम पर्याय में बैठ के सुनोगे तो क्या क्या लाभ फिर इनको पढ़ने? वो तो मान के बैठे थे पहले। वस्तु कैसी होती है? पर्याय रहत ध्रुव होती है। निश्चय तत्व रूप वस्तु है, पहले पक्का करो कि जो उत्पाद और व्यय होता है वो एक समय का होता है, और वो द्रव्य के सामने स्वांग कहलाता है। इसके लिए समय साथ बना। वस्तु स्वांग से रीति है, खाली है, और तुम्हें ऐसे वस्तु को देखना है तो तुम्हें वो आंख से देखना पड़ेगा जो आज तक से हो, उसमें तीन काल में वस्तु नहीं दिखेगी, ये कह रहे भगवान। निश्चय वस्तु निश्चय की आंख से दिखेगी, व्यवहार की आंख से नहीं दिखेगी। तुम दुनियादारी में उपयोग लगाओ और समझो, कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहां है ही नहीं कुछ। समझ में आ रहा भी है कि नहीं है? निश्चय यानी सचमुच में परमार्थ में अपनी आत्मा है कि नहीं, इस विश्व में है, तो वो अपनी आत्मा देखना है कि नहीं, कि देखना है। तो जो जो आंख से तुम जो देख रहे थे वो नहीं है तुम्हारा स्वरूप, मानोगे तब तो ये देखे। एक म्यान में दो तलवार रखो। श्रद्धा की गली सांकड़ी है, तामे दो न समाए। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। हमारा पति भी पति है और पराय पति भी परी, दिमाग खराब। हमारे भगवान जे भी है और बेबी, ठीक है, ये सब होते नहीं। हमारा आत्मा जे भी है, जे भी आत्मा। ये व्यवहार की बातें अच्छी लगती मीठी, हम भी मोक्ष, तुम भी मोक्ष। अरे भैया, मुमुक्षु अलग चीज है, आपका आत्मा है, किसी रूप में नहीं है विश्व। उन्होंने आपने चाला की नहीं चलेगी, उन्होंने कहा कि देखो आत्मा, उन्होंने कहा हाँ सुन रहे हैं। वे कह रहे जो पश्चिम पारम, जो देखता है जानता है, अपन कह रहे हाँ हम समझ रहे हैं। समझते रह जाओ जिंदगी, तुम आत्मा हो, ये समझने की बात नहीं चल रही। तुम आत्मा हो तो तुम अपना हम तो पालो, हाँ तो पालो, स्वामी जी की बात से कहें हाँ पालेगा तो हालत बदल जाए, और ना पाल नहीं सकते तुम, क्योंकि ये भगवान की वाणी झूठी नहीं। ना पाली और नरक निगूत खड़ा सा, और झूठी ना पाली तो भी कुछ लाभ नहीं। ना नहीं समझ में आए तो अभी ना नहीं पाल सकती, ये कहना पड़ेगा। आप तो सत्य कहते हो, हमें क्यों नहीं उतर? ये कभी कह नहीं सकते गलत, क्योंकि ये सर्वज्ञ की बात है। आत्मा निश्चय तत्व स्वरूप, काय से दिखेगा आत्मा? निश्चय ज्ञान से। कहां से लाएंगे हम? कौन से बाजार से लाएंगे निश्चय ज्ञान? कि ज्ञान तो सबको, विमला भाई ने कहा ना, ज्ञान तो ज्ञान ही, सच बात है कि ज्ञान तो है ही। अब देखना उस ज्ञान को, ज्ञान देखने लगना ये कहलाता है हाँ पढ़ गया। अब ज्ञान ही नहीं देख रहे और सुन रहे, तो ये तो कर्ण इंद्री में काम भोग बंधन की कथा में चला, ये तो ही आत्मा।
जो जान रहा है, जो जो जान रहा है जीवे जी मैं हूँ, उसे नहीं देखो निर्णय नहीं ले और ऐसे कह दे तत्व है और उसे जानने वाली आंख निश्चय ज्ञान है और वो निश्चय ज्ञान पर्याय है। तुमने सोचो तो जरा भगवान कहाँ से मिल गए, ऐसा कोई हुआ इतनी करुणा करे कि देखो मान लो तुम्हें मंदिर जाओगे तो आनंद तो बहुत आएगा परंतु वो आनंद आत्मा नहीं, समझ गए। अरे बाप रे जी क्या कह रहे, एक तो हमें आनंद नहीं मिल रहा था, मिलने लगा तो कह रही आनंद तुम नहीं, तो हमें कहाँ ले जा रहे, ऐसी जगह ले जा रहे जहाँ से निरंतर आनंद तो आएगा तुम्हारी नजर नहीं जाएगी। इतनी बड़ी उपलब्धि है जिनको समझ में नहीं आ रहा, समय सार के परमात्म प्रकाश समाधि तंत्र ये सब एक सी बनी। निश्चय तत्व स्वरूप वस्तु है कि नहीं, और उसको जानने वाली ज्ञान की सामर्थ्य सैनी पंचेंद्री के है अर्चना जी, है कि नहीं, और अभी आपके ज्ञान में ज्ञान ही दिख रहा है कि गलत है, और उसमें हाँ पाड़ दोगी, हाँ पाड़ोगी तो उसको कहेंगे हम सम्य ज्ञान और वो तुम नहीं। निश्चय तत्व रूप आत्मा एक रूप ध्रुव रहता है, बात तो गजब की कह रहे कि तुम देखो या ना देखो परंतु वो अपनी प्रेजेंस कभी दूर नहीं रहे, हमेशा साथ रहे, हमेशा उपलब्ध है। 24 घंटे आप जाना ना हारो, कभी आपका जाना ना हार पना कहीं जाता नहीं, मिटता नहीं, बिगड़ता। अब इतनी अच्छी संदेश आ रही है सीमंदर भगवान की, इसमें खुश नहीं होते, हम बहुत समझते हैं इसमें खुश होते, बेकार की बात है, नहीं करना चाहिए, हम बहुत समझते, हम समझ स्वभावी है ना, हम भगवान हमें कहा कि बार बार की जरा जरा सी बात। एक रूप है, ध्रुव है, और वह व्यवहार तत्व कर गया जो अभी प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्रकट हुआ, ये कैसा है पर्याय है, क्योंकि पहले नहीं थी आज प्रकट हुई, तो बताओ फिर से पर्याय में बुद्धि लगाना है कि नहीं, क्यों लगाएगा, अभी सुबह सुबह में लगाता था, अब सम्यक दृष्टि बन गई, अब धर्मात्मा बन गई, अब उसमें लगाने लगे, पहले हम मंदिर ही नहीं जाते थे, अब मंदिर ही मंदिर जाते, अंदर का वजह वो पर्याय में सुनना जरा अच्छे से, पर्याय में जब तक वस्तु स्वरूप का लक्ष्य रुचि स्थिरता रूप मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ तब तक आत्मा पर्याय में शुभ या अशुभ भाव करता मिलेगा। इनको सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ तुम्हारा वीर जाता है, कहाँ तुम प्रसन्न होते हो, यदि मालूम हो गया तो हाँ हम जानते हैं, ऐसा छह में टिक लगा ना, कसाय मंद हो गई हमें अच्छा लगा आज मंदिर में, बोलो आज की आनंद की जाए तो शुभ आनंद में भूल जाते, जरा सा घर में अशुभ ज्यादा हो गया तो घबरा जाते, आज का दिन बेकार गया, समझ गए तुम्हें क्या है कि कभी तुम जहाँ रहो वहाँ आत्मा मन के रहो, तुम जहाँ रहते हो वही पर्याय में रहते, आज का दिन बेकार चला गया, आत्मा नहीं था क्या वहाँ, आज बहुत मजा आया तो क्या आत्मा मिल गया क्या, कभी शुभ में वोट डालते, कभी अशुभ में, कभी छेप समय, कभी गे में, ऐसा जीवन जाएगा व्यर्थ का। जीव को वस्तु स्वरूप की रुचि नहीं, लक्ष्य नहीं, अनुभूति नहीं, आनंद का विजन नहीं, अकर्ता आत्मा देखा नहीं, जो इनको सब पता, तब तक यह जीव वर्तमान दशा में नियम से शुभ अशुभ के वेदन करने में अपना वीर खर्च कर रहा है, संसार बढ़ रहा है, यानी दुखी हो, यही ज्ञान अपने इसमें लगा लो, यही ज्ञान वहां लगा लो, ज्ञान जात्यंतर हो जाता, जब अपना घर दिखता तो अपने घर की संभाल कर, जब अपना घर ही नहीं लगता तो फिर आप बताओ उपयोग कहां रमेगा, जो जो परिणाम होते वो नहीं कर पड़ता रहता है। आज बहुत अच्छा, इतने बजे जग गई थी, फिर इतने बजे ऐसे ही ऐसी घड़ी देखते रहे, तब तक आत्मा पर्याय में स्वभाव स्वभाव का कर्ता बना बैठा है, इनको पता है, अपन बोलते नहीं
देखो अपन चोरी जैसे करते ना तो अपन कौन बताया अपनी बात, सही बात है, ऐसे ऐसी बेइज्जती करा कि हाँ अभी अपन तो अभी इसी सुबह समय लगे और तुमने ऐसा कहा कि सुबह समय लगे, वो कहेंगे सुबह सब तुम कर ही नहीं सकते, तुम तो ज्ञान हुई, तुम तो जानते रहते, बोलो इनसे, वो कहेंगे अपनी दवाई करवाओ भगवान से रोग को छिपाओगे तो कैसे निकलेगा, मतलब हर आदमी को अपनी अपनी योग्यता प्रमाण विशुद्धि आती है कि हम इसके लायक खड़े हो जाएं, जिससे हमें आत्मा आत्मा तो लगे कम से आत्मा करता है और पर्याय करती है, ऐसा द्रव्य नहीं, आत्मा करता और पर्याय उसका कर्म, कि ऐसी जिम्मेदारी द्रव्य की नहीं, सब नई नई बातें सुनते हैं, क्योंकि द्रव्य तो अकारक का वेदक होता है, जो होता है उसे जानता है, उसका काम है मात्र जानना, मेरा काम नेत्र की तरह उदाहरण दिया, जो नेत्र त्यों ही ज्ञान, अकारक और अवेदक, तो जैसे समीप दर्शन होगा तो ज्ञान क्या करेगा, उसे जान लेगा, और मोक्ष हो जाएगा तो क्या करेगा, उसे जान लेगा, और नहीं होगा तो क्या करेगा, उसे जान, अच्छा समीप दर्शन नहीं हुआ श्रुति तो क्या होगा, अपना जीवन लेकर नहीं चल जानने के अलावा कुछ, ऐसा उपदेश देंगे कि समीप दर्शन के बिना मुर्दा जैसा है, तो भी अपने को आत्मा मान, कभी ऐसा नहीं मानना कि सम्यक दर्शन से पूरा करो, आत्मा मानोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, तुम यहाँ से देखोगे पर्याय में खड़े होगे तो वो बहुत बड़ी खाई, वो तो ज्ञान करा, बड़े पंडित जी ऐसा कहते हैं कि माता तो दूध में पानी मिला के बच्चे को पिलाए, और बेचने वाला दूध में पानी मिलाएगा तो हम नहीं मानते, ऐसे वो तो पर्याय का ज्ञान कराएंगे, क्योंकि उन्हें उन्होंने पर्याय का पक्ष लिया, और हमने निकल जाए यहाँ से, यस तस्य देशना नास्ति, तुम बैठने के लायक नहीं, ऐसे लिखा कि नहीं, यस तस्य देशना नास्ति, व्यवहार मेव केवल मवेती, यस तस्य देशना, जो व्यवहार का पक्ष लेके आता है वो जिनवाणी सुनने लायक नहीं, निकल जाए, अब निकल जाओ तो कोई कहेगा नहीं, पर अपना व्यवहार का पक्ष निकाले, वही निकालना, वही निकालना, भगवान का कोई निकाले, वो तो करुणा सागर होते, आत्मा करता और पर्याय उसका कर्म, ऐसा भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि निष्क्रिय ध्रुव चैतन्य एक ज्ञायक अनेक रूप नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन की जिम्मेदारी है कि वो अपने को आत्मा देखे, कितनी कितनी गजब की बात है, ज्ञायक ध्रुव त्रैकालिक, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हें सुख दे, जिसकी जरूरत हो उससे सुख ले, मेरे पंडित जी की भाषा में, किसी को दिया लिया नहीं जाता है, लेने वाला ले लेता है और नहीं लेने वाला चला जाता है, व्यवस्था सर्वोदय के शासन में, कोई किसी को दे कोई किसी से ले, ऐसा तो नहीं, भगवान को तो नहीं दिखता, यदि ऐसा होने लगे तो पूरा विश्व पराधीन हो जाएगा, भगवान की गलती है, उन्हें हमें काई नहीं समझ, अपने टिके रहने के लिए अनंत काल तक किसी की जरूरत ना पड़े, ऐसी पवित्र ध्रुव वस्तु का नाम ध्रुव, कोई जरूरत नहीं, इतना वो जीव कहते हो बना ही तो रहे, अब कितनी बड़ी ये प्राकृतिक धरोहर है जो जीव जीव बना रहा है, और केवल ज्ञान हो जाए तो फिर आत्मा क्या होगा, बहुत बड़ा मंत्र है, अनुभव सुद्रव हर परिणाम में बैठा रहता है, एज इट इज, सोने की कितनी डिजाइन बना लें कि सोने में कुछ कमी आ जाए, सोने में तो समझ में आता, आत्मा में समझ है, पर्याय करती है और द्रव्य कर कार्य, द्रव करता है और पर्याय कार्य, ऐसा सामान्य विशेष को करे, विशेष सामान्य को करे, पर हमें ये बताओ कि सम्यक दर्शन करने के लिए बाबूजी क्या करना, जिद करे द्रव का काम नहीं पर्याय करना, और पर्याय का काम नहीं द्रव्य में करना,
और सम्यक दर्शन चाहिए तो क्या करना था? मैं हूँ नहीं करना है? मैं हूँ तो इससे क्या होता था? नहीं, नहीं करना। हम जो द्रव्य कर रहे हैं उसका उत्तर देना। आप द्रव्य कह रहे हैं पर्याय की जिम्मेदारी हमारे बस की नहीं, और पर्याय कह रहे हैं हम तो द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ हम क्या करें जिससे सम्यक दर्शन, मतलब उत्तर यही देना जो हम बस शब्द बोल रहे हैं उसी के मर्यादा, अपने मन के उत्तर नहीं, जो जनवाणी समझाती उसमें से। द्रव्य पर्याय को करेगी क्या? क्योंकि वो विशेष है, वो खुद एक समय का जीवन लेके आता है, और पर्याय की ड्यूटी इतने बड़े द्रव्य को कर तो वो ही नहीं करेगी। पर तो फिर हमें सम्यक दर्शन होने के लिए क्या करना चाहिए? जैसी रहे जैसे वो है? जैसे वो करता रही है वैसे करता रहा। पर्याय अपने आप में सत्य है, अपने समय का सत्य है। हाँ सत्य बता दिया उन्हें, पर्याय सत्य है, द्रव्य सत्य, द्रव्य सत्य गुण सत्य पर्याय तीन है कि नहीं? अब वो कह रहे हैं हमें सम्यक दर्शन चाहिए सरला जी, अब क्या करें? हम मूल मारे पटक लें नहीं? देखो हम बता रहे हैं कुछ दूर में जी ने नौवीं अध्याय में लिखा तीरा उद्यम तो एक मात्र सत्य ऐसे साफ से। तो अब क्या करें हम पूछ रहे प्रश्न, हमने क्या पूछा क्या करे? तो द्रव्य और पर्याय का निर्णय तो करती रहे, ज्ञान इसी के लिए मिला कि मैं वह का वह रहता हूँ ऐसा पक्का तो कर, हूँ परमात्मा छू है नक्की तो कर। स्वामी जी रोज रोज सवेरे से बोल क्या करें कछु नहीं करें, ऐसी उत्तर नहीं चाहिए। कोई दर्शन चाहिए यानी सच्चा विश्वास चाहिए, काय का विश्वास चाहिए? मैं द्रव्य ही हूँ ऐसा पर्याय बोलने लगती, ये बहुत बड़े काम कहलाते हो कुछ नहीं करने। मेरा इसमें क्या, हम 25 साल की बिटिया ले आए अपने परिवार में, तो हमने उस बिटिया में 25 साल की बिटिया में हमने क्या किया? हाई तो पारी कुछ स्ट्रक्चर बदल दिया कि बना दिया कि कुछ अंगूठी पहन आने से बड़ी कर दी, कुछ तो नहीं किया। हाई तो पारो ऐसे ही वो कह रहे द्रव्य तो पर्याय का करता नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की ताकत नहीं है कि वो आत्मा बना सके। सुबह सबकी तो कथा बाहर कर दी। अब द्रव्य पर्याय में कुछ नहीं, पर्याय द्रव्य में कुछ नहीं करे तो हम क्या करें? हमने जो प्रश्न किया वो नहीं समझ आया मोहन के साथ। हम ये कह रहे हैं कि द्रव्य का काम पर्याय का कुछ कर सकती है, और पर्याय का काम द्रव्य में कुछ करने का, इतना समझ आया वस्तु स्वरूप। अब अपने पास है प्रकट ज्ञान में, तो ये ज्ञान से पूछो तुम क्या करना चाहते हो बताओ, द्रव्य में करोगे कि पर्याय में? काय में करोगे? इसमें बस ये निर्णय में मजबूती का नाम सम्यक दर्शन होना। अपन समझ रहे तो कुछ करना पड़ेगा, करो ना निर्णय तो करो कि मैं द्रव्य हूं त्रिकाल, और परिणाम एक समय का सत होता है। न पर्याय में कर सकते हो और न द्रव्य में कर सकते हो, तो ज्ञान क्या होगा? फ्री हो जाएगा। तो फ्री ज्ञान में क्या हो जाता है? अंतर्मुक्त आती सहानुभूति होती, और आपको समय दर्शन मुफ्त में मिल जाता है रिजल्ट। और अब करो, आप चक्कर नहीं में लगो, दर्शन मोहनी को अलग करोगे, सम्यक दर्शन की पर्याय पकड़ में आती, कैसे करोगे आप? गजब की मंत्र ही समझ में नहीं आता जीव को, ये क्या कहां ले जा रहे हैं? और ये भगवान को दिखता है ऐसा बता रहे, अपन को छोटी सी बात लगती है अपनी जनवाणी, ये हो रहा सीमंदर भगवान के श्रीमुख से ही निकल रहा। अपन भले अभी भरत क्षेत्र में बैठे भी लोग विदेश है, परंतु यही बात है निकल। पर्याय बिना कसरत को दिखाना ये वाणी का कोई कोई सबके बस की बात नहीं, भगवान की बस। ये पर्याय को द्रव्य के सन्मुख तो करना ही। हाँ ये तो क्या है कि पर्याय को देखो इनने कितना चाहिए ऐसा प्रश्न तो करे कोई कि पर्याय को द्रव्य के सन्मुख करना है कि नहीं? जिनवाणी कहती है कि जो पर्याय को द्रव्य के सन्मुख करने में लगेगा वो पर्याय में खड़ा होगा, उसका काम उसके बस का नहीं। पर्याय को सन्मुख होना हो ना होना हो ना हो, हमारे ज्ञान में पक्की बात बैठ गई कि मैं द्रव्य हूँ बस हो गई, यही सन्मुख था। केवल यही सन्मुख तुम क्या कर रहे थे? ऐसे कर रहे थे, ये करता है इससे कहो कि ध्यान लगा, तुम ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं? तो तुम भी इतने बड़े भी कर लौटाते रहेंगे। नहीं वो छोटी सी गाड़ी चलाता था तो तुम बड़ी गाड़ी चला देते, करता तो वही बन, वो ट्वाइस खिलाता था तुम घर की ट्वाइस खिलाता।
नहीं समझ में आया, द्रव्य में कुछ कर सकता है कि नहीं, पर्याय में कुछ कर सकता है कि नहीं, और प्रशांत बाबू का कहना है कि पर्याय को स्वभाव सन्मुख करना चाहिए कि नहीं, तो उसने काम पकड़ लिया कि नहीं, पकड़ लिया। अब इसे पर्याय नहीं समझ में आई, क्योंकि पर्याय सत में कुछ किया नहीं जाता, तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा कि करते ही बना तो छूटे हो तो सम्यक दर्शन क्या, क्योंकि जिसमें कुछ काम नहीं है तभी तो निष्काम तत्व की रुचि कहला। निहाल भाई ने लिखा कि यह जीव अपने उपयोग को अंतर्मुख करने में लगा है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। विमला भाई और शोभा भाई दो जने ध्यान में बहुत बैठती, और ये कह रहे हैं कि तुम ध्यान में बैठोगे तब तक तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगी, नहीं। तुम ध्येय बनोगी तो आत्मा, ये कह रहे हैं कि तुम मंदिर में बैठो चाहे नहीं बैठो, हमें ये मतलब नहीं, ये तो शरीर बैठा है, तुम कहाँ बैठे, और तुम अपने उपयोग को थोड़ी शांत करे हो ना, ये कसाय की मंदता, तुम कब बैठोगे। और तीसरा उपयोग को डाइवर्ट कर रहे हो, वे कह रहे रुचि को करो, तुम उपयोग को लौटा रहे, वे कह रहे रुचि लौटाओ, तुम मील तो बैठा लो, रुचि तो बैठा लो कि मैं भगवान हूँ, मुझे बनना नहीं, कह रहे जो जो अनुभूति करने में लगे उनको तो अनुभूति नहीं, क्योंकि इनने काम ही गलत पकड़ रखा, इनका लक्ष्य ही छूटा। अनुभूति की जाती बोली, अरे अनुभूति 24 घंटा एक तो हो रही है और दूसरी होती, दो प्रकार की अनुभूति हो, एक तो त्रैकालिक अनुभूति स्वरूप है, उसमें अनुभूति करना नहीं पड़ता, जानना जानना हो, और दूसरा अनुभूति होती है कि नहीं जाती, क्योंकि मैं आत्मा अनुभूति होना हो तो उसको हो जाए। सरल करिया जगत में भविजन को, गजब की बात है, अपन को सुन के अभी समझ में नहीं आ रही कितनी बड़ी बात है। जैसे चैतन्य चक्रवर्ती हैं अपने भगवान, जिनकी दिव्य देशना गर्जिए बोले बोले नहीं, अच्छी होनहार वालों को ये समझ में आ जाता क्या मार ओ, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, प्रभु हम तो बहुत काम में लगे थे, ऐसा कर ले ऐसा कर ले ऐसा कर ले, अरे भैया तुम कहाँ खड़े हो जाते हो जब करने की बात कहते, न तुम द्रव्य रहते न पर्याय, क्योंकि पर्याय में भी नहीं किया जाता द्रव्य में, अब तुम सरला भाई भ्रम में खड़े, नींद में बकबका रहे, लुट गए लुट गए लुट गए, अरे तुम पढ़े तो पूरे कहाँ लुटे हो, निर्णय करना पुरुषार्थ है कि द्रव्य में कुछ किया नहीं जाता, पर्याय ध्रुव है एक समय की उसमें किया नहीं जाता, इस निर्णय में सन्मुखता केला। दुकान ही दुकान में रहते हो, कहा मंदिर में भी समय पे नहीं आते, आत्मा के लिए समय नहीं देते, ये तो नीति न्याय की बात है, चरणान युग आपको मोटे मोटे स्थूल अस्व से निकालकर यहाँ ला, और ये नहीं समझ लेता जैसे हम बड़े धर्म आते, यानी अस्पताल कब पहुंचे हम ठीक ही हो गए, मंदिर पहुंचे यानी हमें रक्त इतने खसब हो, मंदिर तो जाना चाहिए ना, अरे भैया ये बच्चों को अध्ययन करना चाहिए, अब टूर्नामेंट जी कह रहे अच्छा आप तैयार है अब क्या करना चाहिए, तब तो निर्णय करो कि मैं कौन हूँ, हिसाब में तो ध्रुव आत्मा हूँ, एक समय की पर्याय तो मैं नहीं हूँ, कि इसी परिणति इसी निर्णय में तुम्हें सम्यक दर्शन हाथ जोड़ता हुआ जाएगा। पुरुषार्थ लगे का अर्थ है इस जीव के पास जो शक्ति है वो बाहर बाहर में नष्ट हो रही, तो उससे कहना पड़ता भैया थोड़ी शांति से बैठो, शांत चित्त निर्विकल ऐसा उसे चरणानुयोग से लौटा, फिर उससे कहती देखो तुम भगवान हो बनना नहीं, तो ये ताकत लगेगी, अब क्योंकि वो शोभा बनी बैठी तुम कह रहे भगवान हो, तो वो ताकत लगना है यानी विपरीतता को खंडन करना के नहीं, भगवान कहती उस सत्य भगवान को अनंत पुरुषार्थ खर्च हो रहा, जिंदगी उसी में लगी, क्योंकि उनका हर समय आनंद आनंद बहता है, तो उस पुरुषार्थ से चलता है भगवान ज्ञायक स्वरूप, द्रव्य तो पर्याय रहते और तू पर्याय को भूल रहा है, करना है सम्यक दर्शन चाहिए, तो तुम्हें पर्याय रहे द्रव्य जब समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारा दिमाग तो पर्याय में लगा, अब कैसे हो जाएगा धर्म। उत्पाद वे रहित वस्तु, उत्पाद वेद व्यवहार नहीं का विषय, और ये सम्यक दर्शन होता है निश्चय नहीं के विषय को देख, और उत्पाद होता है व्यवहार नहीं के विषय से जाने, और त्रिकाली ध्रुव वस्तु निश्चय नहीं का विषय है, ये जीव ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान स्थिरता रूप शुद्ध परिणमन के अभाव में
पर्याय में स्वभाव स्वभाव जो होते हैं उसका कर्ता बनता है, उसके कारण पर्याय में जन्म मरण और हो रहे अरे। और संयोग में देखो 84 लाख योनियों की लिस्ट तैयार। शुद्धात्मानुभूति प्रकट होने पर शुद्धोपयोग परिणत जीव मोक्ष मार्गी होता है और मोक्ष का कर्ता होता है, सुखी हो जाता है। बात समझ में आए तब तो ये सब रास्ता खुल गया। वस्तु तो भाई वस्तु, उसके अनुभव रूप श्रद्धान ज्ञान शांति रूप निर्मल पर्यायों को यदि प्रकट भी हो गई हो तो व्यवहार तत्व समझना, नहीं प्रकट हो गई हो तो भी चिंता नहीं करना, क्योंकि इन पर्यायों को आत्मा नहीं कहते हैं, आत्मा इनसे अलग है, उसे आत्मा कहते। अब तो चिंता छूट गई, समय दर्शन नहीं है तो इससे कम नहीं देखो, ये कह रहे, क्योंकि द्रव्य कभी कम बढ़ नहीं होता है, केवल ज्ञान से बढ़ता नहीं है, समय दर्शन से बढ़ता नहीं है और राग से छोटा नहीं। ऐसा भगवान मिले ना तो निर्णय तो लो आप कौन हो। सारी शक्ति अपन ने पर्याय में खड़े होकर बर्बाद कर दी, अब वो कह रहे अब बताओ क्या करो। वस्तु तो वस्तु है, उसके अनुभव रूप जो निर्मल पर्याय है व्यवहार है। आत्मा शुद्ध स्वभाव में एकाग्र होकर शुद्धोपयोग रूप परिणमित होकर मोक्ष का कर्ता होता है, ऐसा कहना तक व्यवहार। मोक्ष पर्याय भी व्यवहार, बंध मोक्ष मोक्ष मार्ग निश्चय ध्रुव वस्तु में नहीं। इतनी ताकत लगी देव समझ में नहीं। इस सोने की चेन है ना, अब वो 30,000 रूपये तोले समझ, तो वो चेन 30,000 रूपये है कि सोना 30,000 रूपये राजमती। ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि अजीव सम्यक दृष्टि, तो मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन जीव है कि जीव ज्ञानानंद स्वभाव ही है, तो फिर वो मिथ्या दर्शन तो उसका नाम है जो मानता नहीं, और सम्यक दर्शन उसका नाम है जो मानता, तो मानता नहीं मानता तो बाहर द्रव्य में कहाँ है। कितनी बड़ी बात है ये समझ में नहीं आती अभी जीव को, ये गुरुदेव की बहुत बड़ा दान है। और ऐसे ही समझाओ सब अपने आप, ज्ञान दान दो, अपने से बातें कर। मोक्ष भी व्यवहार, समय सार में तो उसे स्वांग कह के कहा मोक्ष निष्क्रांत है भाई। काली ध्रुव एक रूप सदृश सदृश ध्रुव ध्रुव ध्रुव, इसमें बंद भी नहीं है और मोक्ष भी। कितना बड़ा सिर दर्द दूर कर दिया, न तुम्हें टीबी है न निमोनिया है न कैंसर है, हरी साहब इतने दिन से परेशान है और आप ऐसी बातें करते हो, हम तो बहुत परेशान हैं। हमें कह रहे कि तुम्हें तो कोई रोग ही नहीं, कोई रोग नहीं, हाँ तुम्हें तो कोई रोग, और हम जो सर्दी और खांसी से परेशान है वो कोई की शिकायत कोई नहीं। त्रिकाल एक रूप सदृश, जो अपना अस्तित्व कभी बदलता नहीं, ध्रुवता छोड़ता नहीं है, चैतन्य चैतन्य तई लिए रहता है 24 घंटे। ज्ञात्रता वस्तु का अलंग स्वभाव है, कभी छूटता है, इसमें बंध मोक्ष नहीं होता। इसे नहीं जानने को अज्ञान में बंध और जानने को मोक्ष, रत्नात्रय और रत्नात्रय का फल मोक्ष, और जिन शासन में मार्ग भी है और मार्ग फल भी है, पर वस्तु में न मार्ग है न मार्ग का फल, क्योंकि वस्तु ही अपूर्ण हो तो फिर वो वस्तु कहाँ है। आत्मा कहते हैं जिसमें संसार नहीं और संसार के अभाव की व्यवस्था, उसे ध्रुवता कहती, चैतन्य कहती, चैतन्यता कहती। इस तरह से वस्तु का निर्णय लेना, अपने प्रगट ज्ञान का सदुपयोग इसमें करना था, सो अपन कायम कर रहे आप अपने समझ। तूर्णमंजन कहा ना प्रदीप जी, क्या तेरा उद्यम तो एकमात्र तत्व निर्णय, तो तत्व निर्णय करो ना नेता, क्या निर्णय करे कि द्रव्य का कुछ बनता बिगड़ता है, पर्याय में कुछ करने की व्यवस्था इसलिए नहीं है कि तुम्हें पकड़ में नहीं आते, और वो भी जैसा त्रिकाली ध्रुव है ना, जैसे एक समय का भी ध्रुव है,
एक एक समय का ध्रुव है, एक त्रिकालीय ध्रुव है, और ध्रुव में कुछ हेर फेर नहीं होती। तो आप बताओ कार्यक्रम बताओ, ठीक है जी। यही कार्यक्रम है कि तुम वस्तु का निर्णय करो, आपके प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग, ये बहुत बड़ा व्यवसाय। हम क्या कर रहे थे, अशुभ में घर ला रहे थे, शुभ में ला रहे थे, शुभ में घर ला रहे थे, शुद्ध की लाने में ये कह रहे तुम्हारा कर्तव्य तो तुम्हें खा जाएगी, ये रास्ते ही नहीं। ये तो वो देख भाव है, राधा देख भाव, ये जीव नहीं। जीव से कहते जो सदा काल जीव एक रूप, जीव 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 बना रहे, जरूरत नहीं। आप फिर यहाँ खड़े हो, जो किया अपन फिर डिप्रेशन में आ गए, अपन बेकार रहे, मतलब फिर तुम खड़ी होगी पर्याय। वो कह रहे जो होने योग्य था वही तो हुआ, नहीं तो वस्तु व्यवस्था नष्ट नहीं हो जाती। नहीं निदास बताओ, 24वें तीर्थंकर 24वें नंबर पे होंगे कि पहले नंबर पे, तो फिर क्या गड़बड़ी होगी 23 तक उनकी। तो वस्तु अपने क्रम से चल रही, बहुत अच्छा तो है। ये मारीच का जीव 24वां तीर्थंकर हो, हम नहीं कैंसिल करते इसको, तो कैंसिल करने से हो जाएगा क्या, जब उसकी पर्याय खचित है कि ये त्रिशला का लाल होगा, सिद्धार्थ का बेटा होगा, जब खचित है शरीर तक की व्यवस्था है, तो सम्यक दर्शन भी खचित है क्या, शेर की पर्याय से चालू हो जाए, और 24वें नंबर में मोक्ष हुआ, तो वो पर्याय की ध्रुवता भी व्यवस्थित है। आप ऐसा लगे ऐसा सोचना कि ये जो हुआ बेकार गया, ऐसा नहीं कहो, जो होने योग्य था वो कह रहे भगवान हुआ, और मैं उस समय भी आत्मी था, ज्ञाता था, और आज भी ज्ञाता ही हूँ, आगे भी ज्ञाता, ये कह रहे हम अमृत कराना। तुम पुराने याद करके दुखी मत, पुराना रोना ऐसा लिखा बादीराज मुनि ने, हम पुरानी याद करते तो हमारे घुटने टूटते, जैसे भाले लगते हो, हम नरक में रहे नरक में रहे, हमें ऐसा लगता है जैसे हम बर्छी मार दियो। इसलिए वो कह रहे भूतकाल को इस रूप में याद नहीं करो कि हम में ऐसे थे, ऐसा करो उस समय भी हम ज्ञायक थे, नहीं समझ में आया, उस समय भी हम कैसे थे, आत्मा थे, तो आज तक आत्मा बने रहे कि बिगड़ गए होंगे, ये कुछ वरदान दे रहे जन्मानी अपन, बंद भी नहीं है मोक्ष भी नहीं। इतनी बात सुन के प्रसन्नता नहीं होती, ध्रुव तत्व में बंद भी नहीं है और मोक्ष, और बंद हुए बिना रहता नहीं है, मोक्ष हुए बिना रहता नहीं, और ध्रुव तत्व बंद रूप भी नहीं होता और मोक्ष रूप, ज्ञातता कभी छूटती। कर्म धारा और ज्ञान धारा और राग धारा चल रहा है। अब ये वो तो अब से की बता सकता है, हमें तो जी दो धाराएं समझ में आती वस्तु में, एक द्रव्य स्वभाव और एक प्रयास, हमें तो जो दो चीजें बताई, दोनों की ध्रुवता समझ में आ रही, अब उसके बाद अब कोई काम नहीं हो। नहीं अपन जो पढ़ रहे उसी पे तो सोचेंगे ना, कि एक तो ध्रुव था ज्यों की त्यो त्रैकालिक आत्मा 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 चैतन्य चैतन्य ज्ञाता ज्ञाता ज्यों का त्यो भगवान भगवान रहता, मिटा ही नहीं सकता कोई, ताकत नहीं है क्योंकि किसी का किसी में प्रवेश नहीं, कोई किसी का करता नहीं, किसी को किसी की जरूरत नहीं, अपने आप वस्तु की व्यवस्था एक समय की पर्याय में उत्पाद व्यय होता है, शुद्धात्मानुभूति के अभाव में आत्मा स्वभाव स्वभाव रूप परिणमता है और जन्म मरण करता है, और शुद्धात्मानुभूति प्रकट करके यही आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणमन करके मोक्ष का कर्ता होता है, मोक्ष पर्याय का कर्ता कहना भी व्यवहार है। शुद्ध पारणा में परम भाव ग्राही शुद्ध नैसी आत्मा बंध मोक्ष का कर्ता नहीं है, शुद्ध पारणामिक भाव एक समय की पर्याय है ध्रुव वस्तु है, निश्चय आत्मा बंद मोक्ष का कर्ता नहीं है, व्यवहार आत्मा स्वभाव बंद का कर्ता है और आत्मानुभूति करके मोक्ष का कर्ता है। अब दो बातें बता दें, पहले ऊंची बात बता दें और फिर बाद में थोड़ी डाइल्यूट कर, समय सार की सेल, पहले एकदम से छठवी गाथा बताए, एकदम बम पटक दिया, क्या है ही नहीं, प्रमत्त भी नहीं हो अप्रमत्त भी। अच्छा अब बारहवीं गाथा की बात कह ले, सात तत्व होते, सात तत्व होते हैं, जहाँ सात होते हैं वही तो आत्मा, वही आत्मा, वही आत्मा जो जान रहा है ना, ये शास्त्र जान रहा, ये ज्ञान के ज्ञाय के बिना नहीं जान रहा, ये आत्मा जो जान रहा, ये आश्रय बंद होता है ना, इसमें आत्मा ही बैठा है, क्योंकि ये आत्मा में आश्रय बंद का धर्म नहीं, पर ये आत्मा में ठहरता नहीं तो आश्रय बंद हुए बिना रहते, तो वो सात तत्व में आत्मा दिखता। अब डाइल्यूट करते तेरहवीं से, अभी अपन को बताया था स्वभाव स्वभाव छूता भी नहीं, शुद्ध भाव छूता है, अब वो कह रहे हैं
ये अपरिणामी ध्रुव की बात थी, अब हम परिणामी की बात बता रहे। ये आत्मा संसार में रुल रहा है, ये आत्मा मोक्ष जाता है, अब बताओ दूसरी पढ़ाई चालू। कोई पक्ष बना के नहीं बैठना चाहिए, स्वरूप सर्वज्ञ प्रूपित है और आपको बिल्कुल ज्ञान फ्री रख के भगवान के मार्ग में आने के लिए ऐसा खुला रखे, आप जैसा कहते प्रभु ऐसा हमारा ज्ञान को मंजूर। और इस निर्णय में ताकत है भ्रांति तोड़ने की, पवित्रता लाने की और कुछ करने की। और हम ये सोच रहे थे सरला भाई कि मिथ्यात कैसे टूट जाए और सम्यक दर्शन कैसे हो जाए, और ये सोच रहे थे कि सरला भाई कब अपने को सरला भाई नहीं माने और आत्मा मानने लगे। जो चीज वास्तविक है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि दो द्रव मिलके एक हो जाएंगे, आत्मा मिले और शरीर मिले तो आपका अस्तित्व, ये कह रहे अस्तित्व तो अलग अलग होता। तो कौन सी आत्मा अच्छी दादा? अपरिणामी आत्मा अच्छी है कि परिणामी आत्मा? परिणामी आत्मा बंद मोक्ष की करता है, बंद भी जिम्मेदारी से आपका है और मोक्ष भी आपको मिले। और अपरिणामी आत्मा कहता है कि न मेरे में बंद होता है और न मोक्ष होता। अब हमारी ये समझ नहीं आएगी, दो दो आत्मा कहाँ से? हाँ, दो आत्मा है और हम कौन सी आत्मा है? ये दो आत्मा कहाँ से आ गए? कभी ज्ञान प्रधान कथन, कभी दृष्टि प्रधान कथन, कभी स्वभाव को मुख्य करके, कभी परिणमते वस्तु के धर्म को मुख्य करके कहते, उनको तो सब प्रकार से जीव मिलते हैं। और कौन कहाँ खड़ा है, किससे क्या बात की जाए, ये ज्ञानी जनों को आता है। और तुम गड़बड़ी करोगे, कहीं भी विशुद्धता में रुकोगे, भैया इतने में शांत हो, हमें लगी है, हमें बहुत लगन लगी, तुम इतने से में इतना आत्मा खो बैठे, पर्याय में प्रसन्न हो रहे, हम तो 50 साल से आ रहे। अरे तुम का साल वाले बन गए भैया, हमें तो सब पढ़ लिया हमने। अरे तुम फिर शरीफ समय कर, और शांति क्यों नहीं प्रकट होती, फिर तुम पर्याय की तरफ देख। तो उनको तो जैसा रोग है वैसा इलाज करा। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े होके देखते।